सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज की गेम प्ले वीडियो हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि लास्ट एपिसोड में माइकल ने प्रेसिडेंट की गाड़ी कौन चुराई थी। और गाइस आज हम लोग डायरेक्टली मैं बाहर इसलिए आया था, कुछ काम था। तो गाइस अभी डायरेक्टली पहुंचते हैं जो काम था। तो ओके गाइस अभी जल्दी चलते हैं कुछ काम करने। और गाइस अभी थोड़ा सा रास्ते में मेरे पास मिलिट्री कर्नल को कॉल है। तो मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि तुम आप से लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट बन चुके हो। और गाइस मतलब हमारी गाड़ियां भी डिलीवर हो चुकी है, मतलब सिक्योरिटी में जो अपना घर पे सिक्योरिटी डिलीवर हो चुकी है। तो मैंने वो काम कैंसिल करा दिया। मैंने भाई को बोला कि भाई तुम किसी और से करा लो, मेरे फ्रेंड से हो कि मैं बन चुका हूँ लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, जो मैं गंदे गंदे काम अब छोड़ रहा हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं घर पे नहीं उठते तब तक मैं सिक्योरिटी से मतलब सिक्योरिटी तक पहुँचूंगा नहीं, तब तक मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। तो अभी जितने गंदे काम करते हैं निपटा लेते हैं फटाफट, हमें कोई भी गंदे काम नहीं करने वाला, प्रेसिडेंट से सस्पेंड करते हैं। तो ओके गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पे। और गाइस अब बारी है माइकल द प्रेसिडेंट की KTM RC में एंट्री करने की। तो फाइनली गाइस प्रेसिडेंट माइकल द प्रेसिडेंट आ चुका है, बन चुका है माइकल। और गाइस यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सो गाइस अब बारी है माइकल द प्रेसिडेंट की। अब गाइस हम लोग पुलिस की गाड़ी में भी घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें कोई। अब मैं यहाँ पे लिख दिया है डू नॉट ब्लॉक द रोड, मतलब कुछ और लिखा है, बट रोड थोड़ी लिखा है, मैंने कुछ और लिखा है। तो गाइस अभी हम जा सकते हैं अपने घर, मतलब गाइस मुझे अपने लिए शोरूम बनाना है। तो अभी लिमोजिन में तो नहीं जाएंगे, मेरा लिमोजिन का मन बहुत है, बट चलो लीमो में ही चलते हैं अपने लिमोजिन में। बट उसके लिए लैम्बोसियान को हटाना पड़ेगा अपनी। तो गाइस लैम्बोसियान को ना बाहर खड़ी कर देते हैं, नहीं बाहर थोड़ी अंदर ही पार्क कर दो आराम से। गाइस अगर किसी को भी पता चल गया ना माइकल बन चुका है प्रेसिडेंट, गाइस सब मतलब ऐसे चुटके बना देंगे। तो प्रेसिडेंट की गाड़ी लेते हैं और डायरेक्टली चलते हैं। तो गाइस मैं मतलब अभी सिक्योरिटी आ जाएगी तब निकलेंगे। सो कि गाइस एक सिक्योरिटी वाला हमें छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब गाइस अंदर चलते हैं, डायरेक्टली चलते हैं अपने। गाइस मैं ना कोई ड्राइवर हायर नहीं करा भाई, फिर वो बेफालतू हो, भाई तू पीछे क्यों आ रहा है, तू मैं देखो पीछे आ रहे। तो गाइस अब देखो गाइस सिक्योरिटी इतनी भेजी गई है यहाँ पे कि मुझे कोई भी टच भी नहीं कर पाएगा। और हम भाग के आ रहे हैं, अरे भाई ठुक गई गाड़ी, कोई बात नहीं, अभी तो पूरी नहीं ठुकी क्योंकि बुलेट ठुक है ना, सायरन बजा देते हैं ताकि रियल प्रेजेंट फीलिंग आ जाए, वहीं सब रुक जाएंगे। तो ओके गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे पहुंचना था। मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं शोरूम बनवाने वाला हूँ अपने लॉस एंजेलोस के बंदों के लिए, जो जिसके पास कार्स नहीं है ज़्यादा सुपर वाली, तो वो भी कम कॉस्टली बेचेंगे। जिनके पास अच्छी वाली मतलब पैसे नहीं है थोड़े बहुत, तो उनके लिए कॉस्टली बेचेंगे। जो जैसे हाई वेटेड मतलब अमीर हो गए, जो इस वाले मतलब जिसने पूरी बिल्डिंग्स हैं जिस जिसकी, तो उनके लिए हम लोग मतलब महंगी बेचेंगे, फिर पूछते हैं पैसा कितना है। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए शोरूम से बात करता हूँ कि भाई शोरूम तुम कब बना रहे हो, मतलब कब तक हो जाएगा। तो गाइस मेरे बात कर लेते हैं। तो ओके गाइस फाइनली मेरे से इनसे बात हो चुकी है, कह रहे हैं कि तुम्हारा शोरूम अभी थोड़े दिनों में बन जाएगा, तो हम कॉल करके तुम्हें बुला लेंगे। तो गाइस अभी डायरेक्टली चलते हैं अपने घर पे और थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट भाई गाइस व्हाइट हाउस में मेरा अभी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड मतलब जब उनका कॉल आएगा तभी जाएंगे हम लोग व्हाइट हाउस पे, तो तुम बैठ जाओ मैं निकलूँ भाई। तो ओके गाइस मैं बैठ चुका हूँ इधर। अगर डायरेक्टली डाउन ठुकी। तो गाइस अभी कौन गाड़ी ठुक चुकी थी, हमारी जस्ट गाड़ी ठुक चुकी थी। और गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले डायरेक्टली
मतलब अपने घर पे। भाई यार ये गाड़ी ये थोड़ी सी ना अनस्टेबल कार है, मतलब ये अच्छे से नहीं चल पाती, मतलब थोड़ी इसमें फिसलन वाले मतलब इन्होंने एबिलिटीज डाल रखी है, तो इसलिए हमें चल नहीं पा रहे इस गाड़ी में। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने हाउस पे, अभी ज़्यादा गाड़ियों की जरूरत है। अम्मा गाइस मैं लंबोर्गिनी में नहीं घूमूँ, अब से वाली गाड़ी चाहिए, बट ज़्यादा इस वाली गाड़ी में थोड़ी जाएंगे, मतलब पिकअप तो इस वाली गाड़ी में ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादातर हम सुपर स्पार चलाएंगे। तो ऐसे अंदर पहुँच चुका हूँ और गाइस गाड़ी को पार्क करते हैं और अभी डायरेक्टली चलते हैं अंदर घर में सोने के लिए। और मैं अगर लस्टर को कॉल आएगा मैं सीधा सीधा बोल दूंगा भाई मैं आपसे कोई तुम्हारा काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब बन चुके हैं हम लोग प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट थोड़े चोर चुक्के वाले काम करते हैं। तो गाइस अभी हम डायरेक्टली चलते हैं सोते हैं हम लोग। तो गाइस अभी सो के उठते हैं, मैं आप सभी बोलता हूँ सोने के बाद से। तो ओके गाइस फाइनली हम लोग सो के उठ चुके हैं और उस बंदे का कॉल भी आ चुका है कि तुम्हारे शोरूम बन चुका है। तो गाइस शोरूम देखने चलते हैं, इसमें मैंने पहले से कुछ गाड़ियाँ भी खरीद के रख दी थी। तो अभी इधर तो स्वैट टीम है ना मेरी, अबे कौन काम गई मैं चोरी हो गई तो क्या बात कर, ओ हो रही पीछे गाड़ी खरीद थी ना अपने घर में ताकि ना कोई ऐसे इंडिकेट ना कर पाए, क्योंकि आजकल ना लॉस एंजेलिस में बहुत हैकर्स आ चुके हैं, वो हैकर्स इंडिकेट कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट का है, क्योंकि उनको क्या करना है ना कि प्रेसिडेंट को अपने अंडर करवाने। तो अभी सारे मिलिट्री सारे हैक हो गए आज, तो ऐसे आपको अभी पहले मैं आपको मिलता हूँ एक मिनट। तो ओके गाइस अब डायरेक्टली चलते हैं, मेरे बटन गेट ने पड़ा था वही वाला तो मैंने उसको अटैच कर दिया, उतरी यार पीछे तो बड़ी ठुक गई। तो गाइस अभी डायरेक्टली आपको लगा ठुकने ऐसी लाइन, तो गाइस अभी डायरेक्टली चलते हैं आप लोग शोरूम के लिए। तो शोरूम में भी बहुत पास में है, जो अपनी FBI वाली बिल्डिंग है ना मेज बैंक वाली, वो बड़ी वाली है, उसके खाई मतलब नीचे ही बनवाया मैंने अंडरग्राउंड पोचूर। अभी गाइस ठुकते बचे, अभी गाइस डायरेक्टली अभी चलते हैं मेज बैंक की तरफ। उधर भाई यार गाइस मुझे डर लग रहा है, इस गाड़ी को ना 100 की स्पीड में भगा तो सकते हैं, पर इसकी जो कंट्रोलिंग है देखो थोड़ी बहुत फिसलन की, जैसे कि बारिश हुई है रोड पे तो देखा वैसी है, देखा ड्रिफ्ट ऐसी मारती है। तो गाइस जो कासल है ना वही अपना शोरूम भी है, मतलब ऐसे ही मैंने मतलब ऐसे करा। तो उतर के गाइस फाइनली एंड मतलब बिल्डिंग में तो पहुंच चुके हैं, यही है शायद बिल्डिंग नहीं दूसरी है वो शायद FBI में और ठुक गई बहुत बुरी तरीके से, FBI की होगी मुझे लगता है नीचे ही होगी ना, फिर नीचे बनवाया तो नीचे ही होगी ना। पहुंच तो कौन जो उसने लोकेशन दी है पर अच्छा मुझे ये इस तरफ पड़े ना क्यों शो नहीं कुछ पार्किंग टाइप की, हाँ पार्किंग है। एक मिनट उसने इसी लोकेशन पे आने के लिए बोला था, तो शायद अभी काम चल रहा है, उन्होंने बोला था कि FIB के नीचे, तो हम लोग FIB के नीचे है, ये डू नॉट एंटर को एंट्री लिए प्रेसिडेंट के लिए। तो होगी ओ गाइस यही है अपना शोरूम जो हमने बनवाया है, और गाइस इसमें गाड़ी खड़ी हुई है, एक है अपनी जो लंबोर्गिनी में आती है, मतलब बहुत महंगी आती है 20,000 रुपये की सी आती है, और लंबोर्गिनी में आती है ये अपनी T20L फरारी बुगाटी सेंट मतलब बुगाटी समझो बुगाटी शेरॉन, ये है ये है अपनी चीता, ये अपनी लंबोर्गिनी मतलब सेंटिनेरियो लंबोर्गिनी SVJ 63 का पुराना स्टॉक बहुत, और अब ये है अपना बुगाटी शेरॉन, ये भी है मतलब बुगाटी अभी आएंगी और सारी। अब ये हमारी नॉर्मल ऐसी कोई मतलब फ्री की गाड़ी, मतलब ज़्यादा पैसों की नहीं होती, पर इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो 20,000 का, तो 20,000 की गाड़ी होगी। तो ये मतलब मेन आती है 2 लाख की, तो 2020 मतलब 2,20,000 की एक गाड़ी बिकी है हमारी,
और अगर साथ में यहाँ पे हमारे पास जो मतलब छोटी सी मतलब जो नॉर्मल कार से होती हैं वो भी हमारे पास है, जैसे ये मतलब 100 या 200 की में आएगी, ये भी आपकी 500-600 में आ जाएगी। ये अपनी रॉल्स रॉयस फैंटम, तो ये भी ये आ जाएगी अपनी 1-2 लाख में। और ये अपनी विंटेज कार, और पीछे खड़ी है नॉर्मल सी बलास गैंग की गाड़ी, और यहाँ पे खड़ी है अपनी एक और विंटेज कार, ये खड़ी है अपनी नॉर्मल सी कार जो लॉस एंजेलिस में ये खड़ी है। शायद मैं बैठ के देखता हूँ, बॉडी गार्ड्स मेरे आ ही नहीं है ना, रुक जाओ मैं टेस्ट हमारी गाड़ी एक बार देखते हैं, कोई गन वन तो नहीं, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट का शोरूम है, इलीगल आइटम्स नहीं होनी चाहिए, बट हो गए भी तो वो लेंगे। ये अपनी वही नॉर्मल कार है अपनी, कुछ ये आती है हमारी 1-2 रुपये मतलब 2-3 लाख में आती है वाली गाड़ी, क्योंकि ये महंगी बहुत है। और साथ में ये तो नॉर्मल कार है, ये तो रोड्स पे घूमती है, तो ये तो मतलब 200-300 की है। और ये अपनी डिंक एडजस्टर वो मॉडिफाइड, और ये अपनी जेनेट्रॉन, और मैंने आपको सारी गाड़ियाँ दिखा दी हैं। और जो नए स्टॉक आएंगे, जैसे कि अभी तो कोई स्टॉक नहीं आया, तो ये सब चीज़ें तो अपनी मतलब मैकेनिक के लिए, जैसे कोई मैकेनिक रखूँगा मैं, मुझे ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।